स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हरजोत कौर। बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, खास तौर पर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हम आर्ट्स के हैं तो हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई चांस नहीं मिलेगा, हमारे लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी ऑप्शंस हम बताने जा रहे हैं। और अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स सोचें या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स सोचें भाई क्या बात हो गई, हमारे बारे में क्यों नहीं बताया जाएगा, तो घबराइए मत, आपके बारे में भी अच्छी ऑप्शन ज़रूर सजेस्ट करेंगे। तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीज़ा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो मैम, जैसे कि मैंने शुरुआत में बात की है कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट जो है हमेशा ऐसा उनको लगता है या फिर कई कंसल्टेंट्स उनको कहते हैं कि आर्ट्स है तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है या ज़्यादा चांसेस नज़र नहीं आते ऑस्ट्रेलिया में। आप क्या कहना चाहेंगे आर्ट्स की प्रोफाइल्स को लेकर, और कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं आर्ट्स में भी जिनके चांसेस काफ़ी ब्राइट नज़र आते हैं? हरजोत, मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि कुछ कोर्सेज हैं जो आर्ट्स वाले बच्चे ले सकते हैं, जबकि सारी यूनिवर्सिटियों ने आर्ट्स के बच्चे लेने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं। और अगर आपके पास बायोलॉजी है और मेडिकल का कोई सब्जेक्ट, मतलब बायोलॉजी जैसे है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ अगर साइकोलॉजी रखी है तो भी बेटर है, वो भी नहीं रखा तो आर्ट्स के अच्छे सब्जेक्ट्स हों। ये नहीं कि आपने पेंटिंग रख ली, पंजाबी रख ली या कोई हिंदी रख ली, कोई भी लैंग्वेज रख ली, वो नहीं है। आपके आर्ट्स के 4 अच्छे सब्जेक्ट्स होने चाहिए और आपके मार्क्स 65% होने चाहिए। आईएलटीएस आपका 6.5, नॉट लेस देन 6 हो तो हम आपको सोशल केयर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऐसे वाले कोर्सेज दे सकते हैं जिनमें कि आपको जॉब्स चांसेस बहुत अच्छे हैं और मतलब आपके कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी जिसमें आ जाती हैं। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और मैम, अगर आज के टाइम की बात करें तो जिस तरह से स्ट्रिक्ट होता नज़र आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, आने वाले इनटेक्स की भी मैं यहाँ पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जो स्टूडेंट्स, मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, कुल मिला के सभी फील्ड्स की बात करें, कौन सी फील्ड के लिए आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंजीनियरिंग और हेल्थ का हमेशा ही अच्छा रहेगा, तभी मैंने सोशल केयर और अर्ली चाइल्डहुड बोला है, क्योंकि हेल्थ की तो इनको बहुत ज़रूरत है। नर्सिंग का हो, बैचलर इन हेल्थ साइंस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि आप ये देखो, ये बड़े कॉमन कोर्सेज नहीं हैं, जो रिक्वायरमेंट है और कॉमन नहीं है उनकी हमेशा वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर के पास भी वो कॉमन फाइल्स नहीं आ रही हैं। उसके बाद आईटी के बच्चे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, आपके साइबर सिक्योरिटी हो गया, ये कोर्सेज हमेशा डिमांड में हैं। इंजीनियरिंग के रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का हो गया, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो हो गए, तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हमेशा ही डिमांड में रहेंगे। तो इनके जो है जॉब पे स्किल्स भी बहुत अच्छा है। अब हम अगर स्टेट वाइज बात करें तो मैं हमेशा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे बहुत जोर डालती हूँ, उसमें बच्चों के जो आप अगर वेज रेट देखो बहुत अच्छा होता है, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अच्छा मिलता है। आपको पता है कि इस टाइम जो रूल्स आए हैं तो इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कम कर दिया है, जो 3 साल का था उसको 2 साल का कर दिया, जो 4 साल का उसको 3 साल कर दिया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के साथ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके तहत उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो पुराना था उसका कोई कम नहीं किया, सेम अगर 4 साल का मिल रहा था पहले तो वो अभी भी 4 साल का ही मिलेगा, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बीइंग ए इंडियन हमें ये बेनिफिट मिला है। बाकी कोर्सेज की बात करें, हर बच्चा जा सकता है, लेकिन अगर आपके कोर सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, आपका आईएलटीएस अच्छा है, आपके फंड्स बहुत अच्छे हैं, इनकम अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके ग्रे एरिया हैं, ग्रे एरिया में आइल्स कम है या सब्जेक्ट्स आपके अच्छे नहीं हैं या पेरेंट्स की इनकम उतनी अच्छी नहीं है या फंड्स आपके पुराने नहीं हैं, उसका सल्यूशन क्या होता है? अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम जीटी 1 वीक में करा के दे रहे हैं, मार्च इनटेक भी है अभी, तो उसके लिए भी डेडलाइन
अभी नहीं आई हैं, जैन में डेडलाइन हो जाएंगी। तो जो बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है वो खाली नॉन मेडिकल के बच्चे ही हम ले रहे हैं, वो बच्चे अभी भी उनके पास टाइम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। खाली 1 वीक में हम GT करा के दे रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी को 1 ईयर की फीस पे कर सकते हैं, खाली लिविंग एक्सपेंसेस शो करने हैं 16 लाख के अराउंड, जो कि आपके 3 मंथ्स ओल्ड होने चाहिए, या एजुकेशन लोन के थ्रू आप कर सकते हो। अब आपके जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, मिनिमम 65% 4 सब्जेक्ट्स की मिला के, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनकी मिला के आपके 65% होनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी आपके 60% में भी एक्सेप्ट कर रही है नॉन मेडिकल वाले बच्चों का। IELTS लेकिन 6.5, नॉट लेस देन 6, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। IELTS थोड़ा हायर साइड पे ही लिया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो हर बार हम इन वीडियोस के ज़रिए सभी स्टूडेंट्स को यही समझाना चाहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही कंट्री चूज़ कीजिए, सही ऑप्शंस चूज़ कीजिए। ये नहीं कि हाँ सभी बच्चे जो है, जब भी सभी स्टूडेंट जो है ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें तो हम भी ऑस्ट्रेलिया में ही अप्लाई करें। आप ज़रूर एक बार देखें कि आपकी प्रोफाइल जो है एलिजिबल है कि नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर कोई और अच्छी कंट्री भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। कोई और सवाल हो आपके तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल कर के भी आप और जानकारी जरूर ले सकते हैं। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आपने ये सारी जानकारी कोर्सेज को लेकर, ऑप्शंस को लेकर स्टूडेंट्स को दी है। आगे भी इसी तरह से हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।